नमस्कार दोस्तों, आरबीआई की तरफ से एक और बड़ा रिक्रूटमेंट ये आपके लिए आ चुका। बिल्कुल 10वीं पास वालों के लिए सिक्योरिटी गार्ड का एक बड़ा बम्पर रिक्रूटमेंट आपके लिए आया है, जिसमें आपको काफ़ी अच्छी सैलरी मिलने वाली है। दोस्तों इस वीडियो में उसी के बारे में पूरी जानकारी आपको बताने वाले। ऑल इंडिया आप अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल, किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हो, आप इस भर्ती के लिए योग्य माने जाओगे। बिल्कुल दोस्तों, इसको लेकर पूरी अपडेट आपको बताएंगे कि कब से आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हुई है और कब तक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर पाओगे, एज क्रिटेरिया क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है, कितनी आपको सैलरी मिलेगी। क्योंकि आरबीआई का जो रिक्रूटमेंट है उसमें सिक्योरिटी गार्ड की जो भर्ती होती है उसमें काफी ज्यादा बड़े बड़े बेनिफिट आपको देखने को मिलने वाले। तो दोस्तों अगर आप भी एक गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हो तो आपके लिए एक अच्छा गवर्नमेंट जॉब लेके आए। बिल्कुल दोस्तों यहां पर आप वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, तभी जाके आपको सारी इंफॉर्मेशन समझ में आने वाली है। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर अगर आप पहली बार आए और आगे आने वाले जो कोई भी नया रिक्रूटमेंट आए तो उसकी जानकारी पाना चाहते हो, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां जाके आप डायरेक्टली ऑनलाइन जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हो, साथ ही पूरा रिक्रूटमेंट की अपडेट भी देख सकते हो। तो चलो दोस्तों देखते हैं सारी जानकारी। तो दोस्तों यहां पर आपको एक लिंक मिल जाएगा, आरबीआई बैंक रिक्रूटमेंट जो सिक्योरिटी गार्ड रिक्रूटमेंट 2021। बिल्कुल जैसे ही आप यहां पर क्लिक करोगे एक नया पेज आपके सामने ओपन होकर आने वाला है, जैसा कि यहां पर आप देख रहे होंगे आरबीआई बैंक सिक्योरिटी गार्ड रिक्रूटमेंट 2021। बिल्कुल दोस्तों ऑनलाइन आपके रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, यहां पर आपके 241 पदों पर यह बड़ा रिक्रूटमेंट होने वाला है। साथ ही दोस्तों बड़ी अपडेट यह है कि बिना किसी फीस के आप अप्लाई कर पाओगे, क्वालिफिकेशन सैलरी कितना आपको पैसा मिलेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा वो पूरी जानकारी मैं आपको डिटेल से बता देता हूं। यहाँ पर आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है दोस्तों वो 22 जनवरी 2021 से शुरू हो चुका है। ऑनलाइन आप लास्ट डेट है वो 12 फरवरी 2021 तक आप इसका ऑनलाइन अप्लाई कर पाओगे। बिल्कुल दोस्तों आपके जो एडमिट कार्ड है वो यहाँ पर फरवरी 2021 में आएंगे और फरवरी और मार्च में ही आपका एग्जाम होने वाला है। अब यहाँ पर एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जितने भी जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं उनके 50 रुपये यहाँ पर लगने वाले हैं, जबकि एससी एसटी वाले कैंडिडेट हैं उनके भी 50 रुपये आपके लगेंगे। ऑनलाइन मेथड के आधार पर आप इसका फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। योग्यता बता देता हूं, उससे पहले आपको एज बता देता हूं, आपकी जो मिनिमम एज है दोस्तों वो 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज है आपकी वो 25 वर्ष होनी चाहिए। बिल्कुल उसके साथ में जो एससी एसटी के कैंडिडेट है वो यहां पर 5 साल के लिए इसको एज में छूट दी जाएगी, मतलब 30 साल तक एससी एसटी वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। वही ओबीसी वाले हैं वो 28 साल तक इसका फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मैं आपको और भी कुछ चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th पास, बिल्कुल दोस्तों 10वीं पास वाले सभी अभ्यर्थी इसका फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। बिल्कुल यहाँ पर अलग अलग आपकी वैकेंसी में बता देता हूँ, अहमदाबाद में टोटल वैकेंसी 7 है, उसके अलावा बेंगलुरु में टोटल वैकेंसी 12 रखी गई है, भोपाल में टोटल वैकेंसी 10 है, भुवनेश्वर में टोटल वैकेंसी 8 है, जबकि चंडीगढ़ में 2 वैकेंसी है, चेन्नई में कुल मिलाकर 22 वैकेंसी है, जबकि गुवाहाटी में कुल मिलाकर 11 वैकेंसी है, हैदराबाद में आपकी 3 वैकेंसी है, जयपुर में यहाँ पर 10 वैकेंसी है, जम्मू कश्मीर में आपकी 4 वैकेंसी है, वही बात करें तो कानपुर की बात करें तो कानपुर में आपकी 5 वैकेंसी है, कोलकाता में टोटल 15 वैकेंसी है, लखनऊ में 5 वैकेंसी है, जबकि सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपकी मुंबई में है, कुल मिलाकर 84 वैकेंसी है, वहीं नागपुर में टोटल 12 वैकेंसी है, न्यू दिल्ली में आपके 17 वैकेंसी है और पटना में आपकी 11 वैकेंसी है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर पटना के अलावा आपका तिरुवनंतपुरम है, उसमें भी 3 वैकेंसी, कुल मिलाकर 241 वैकेंसी। बिल्कुल दोस्तों काफी अच्छा रिक्रूटमेंट होता है, यहां पर काफी अच्छी सैलरी आपको देखने को मिल जाएगी। बिल्कुल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप इसका कर सकते हो, यहां पर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए भी डायरेक्टली लिंक मिल जाएगा, ऑनलाइन अप्लाई कर लिया। इस यहाँ पर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देख सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट देखना चाहते हो तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हो हमारा और आगे आने वाले रिक्रूटमेंट की अपडेट पाना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर आप पहली बार आए और आगे आने वाले हर प्रकार के रिक्रूटमेंट की अपडेट पाना चाहते हो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।